हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ माय एवरलास्टिंग ब्राइड के एपिसोड 7 से लेके एपिसोड 8 तक की कहानी को, जिसकी स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं रैन को जो कि आज साउथ में जा रहा होता है अपने बिजनेस के लिए। तो वहाँ पर वो शाओ देखो एक गिफ्ट देता है और कहता है कि तुम अपना ध्यान रखना, जिस पर वो कहती है कि साउथ में जाके तुम अपना अच्छे से ध्यान रखना और अपने हेल्थ के भी ध्यान रखना। तो वहाँ पर वो कहता है कि प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर देना, मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया। जिस पर वो कहते हैं कि तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो, तुमने बस वही किया जो मैंने तुमसे कहा था। यहाँ पर नई जिन बस इन दोनों को देख रहा होता है और जेलस हो रहा होता है। फिर वो अपनी वॉच को देखता है कि ये लोग कितने देर से बात कर रहे हैं, जिसके बाद वो कहता है कि टाइम ख़त्म हुआ। तो रैन कहता है शाओ दे से कि मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जिस पर नई जिन कहता है कि तुम्हें जिससे माफ़ी मांगनी चाहिए वो मैं हूँ। तो रैन कहता है कि मैं उस कमांडर की तरह नहीं हूँ कि मैं जल्दी हार मान लूँगा, मैं अब साउथ में जाके बिजनेस करूँगा और फिर वापस आऊँगा और मैं तुम्हें ज़रूर हराऊँगा। जिस पर वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए वेट करूँगा और तुम ये भूलो, अरे तुम भूलो मत, तुम साउथ में इसी वजह से जा पा रहे हो क्योंकि मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ। लेकिन रैन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद नई जिन शाओ दे से कहता है कि उसने तुम्हें जो गिफ्ट दिया था वो मुझे दो। तो वो दे देती है और नेजिन कहता है क्या तुम गुस्सा हो कि उस जो गिफ्ट दिया था मैंने वो ले लिया। जिस पर वो कहती है कि तो बस एक फेयरवेल गिफ्ट है, कुकीज़। तो उस गिफ्ट में कुकीज़ होते हैं, तो वो कुकीज़ को वो खाने लगता है और तो उसे बस देख रही होती है और सोच रही होती है अपने मन में कि ये कितना सा चाइल्डिश है और स्माइल कर रही होती है कि तभी शाओते उसके लिप्स को क्लीन करने लगती है और नेजिन उसे बस देख रहा होता है और इन दोनों को एक लड़की देख रही होती है। एंड फिर हमें देखते हैं अगले सीन में जहाँ पर शाओदे कार में ही सो गई थी नेजिन के कंधे पे सर रख के। तो उसकी जब आँख खुलती तो वो कहती है कि मैं कब से सो रही थी। जिस पर नेजिन कहते हैं कि बस थोड़ी ही देर। फिर शाओदे एक केक को देखती है तो कहती है कि ये क्या। जिस पर नेजिन कहता है कि ये क्रीम केक है, मैं जब एब्रॉड में था तब मैंने इसे ट्राई किया था, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये बहुत पसंद आएगा। तो वो इसे ट्राई करती है और कहती है कि तुम्हें जो पसंद है मुझे भी हो, सब कुछ ही पसंद है। नेजिन उसे किस करने लगता है एंड फिर कहता है कल रात के बारे में। जिस पे शाओदे कहती है कि कल रात की वजह से क्या तुम डेंजर में पर गए थे। जिस पे वो कहता है कि हाँ ये डेंजरस तो है, अगर मैं तुम्हारे साथ रहूँगा तो मैं डेंजर में तो पड़ूंगा ही। जिस पे शाओदे कहती है कि तुम कैसे डेंजर में पड़ोगे। जिस पे वो कहता है कि तुम्हारे साथ रहना बहुत ज़्यादा डेंजरस है। और फिर ये दोनों यहीं पर ही हंसी मजाक करने लगते हैं। हम देखते हैं अगले सीन में जहाँ पर नेजिन कुछ कमांडर से मिलने के लिए गया होता है और इधर हम देखते हैं शाओदे को जो कि ग्रैंड मार्शल यानी नेजिन के फादर के पास जाती है और वहाँ पर जाके वो कहते हैं कि नेजिन कुछ काम की वजह से शायद गया हुआ है। तो उसके फादर कहते हैं कि तुम्हें उसके साथ ही रहना चाहिए ताकि वो कोई स्टूपिड हरकत ना करे। फायदा भी क्या, तुम मुझे शेविंग करने में हेल्प करोगे क्योंकि मैंने इन हाथों से बस गनी पकड़ा है, तो मैं जब शेविंग करने बैठता हूँ तब मेरे हाथ कांपने लगते हैं। तो भी मान जाती है। एंड फिर हम देखते हैं नए जैन को जो कि उन कमांडर से पूछने लगता है कि 10 दिन पहले आप लोग और मेरे फादर घूमने के लिए गए थे बिजनेस के लिए, तब आप लोगों ने वहाँ पर क्या किया था और कहाँ पर थे। जिस पे वो लोग कुछ भी नहीं कह रहे होते हैं। निक्सिन में हम देखते हैं जहाँ पर शाओदे नेजिन के फादर से बात कर रही होती है, वहाँ पर नेजिन का फादर कह रहा होता है कि अल्कोहल की वजह से मैं सब कुछ भूलने लगा हूँ, मैं जब कुछ दिनों पहले साउथ में गया था बिजनेस के लिए तब वहाँ पर मैंने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया था और नेक्स्ट डे को मैं जब आँख खुली तब मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बताया कि मैंने किसी एक यंग गर्ल को बुली किया था। तो ये सुन के शाओदे शौक रहती है और वो समझ जाती है कि जिसने उसके मिस क्वीन ज़िया के साथ रेप किया था असल में ये नेजिन के फादर ही है। एंड फिर हम देखते ही नेजिन को जिसे कमांडर के साथ बात करते हुए पता चल जाता है कि उसके डैड ने क्या करा है, तो वो वहाँ से दौड़ते हुए जाने लगता है शाओदे के पास। एंड फिर हम देखते हैं शाओदे नाइफ को धो रही होती है और उसमें ब्लड भी होता है। देखते हैं कि उसने नेजिन के फादर को नहीं मारा होता है, बस गलती से शेप करने के टाइम नेजिन के फादर को थोड़ा चोट लग गया था। इसके बाद शाओदे घर के सभी सर्वेंट को कुछ ना कुछ काम के बहाने घर से बाहर निकाल देती है। एंड फिर रात को जब नेजिन घर लौटता है तो वो शाओदे के देख कहती है कि तुम्हें सब कुछ पता चल गया ना, लेकिन मैंने तुमसे कुछ भी नहीं छुपाया था। इस पर वो कहती कि मुझे पता है और मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी ताकि मैं तुम्हें फेयरवेल अच्छे से कह सकूँ। इस पर वो कहता है कि तुम ये क्या बातें कह रहे हो, तुम कुछ भी उल्टा सीधा मत करना। शाओदे कहते कि मुझे तुमसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन हम दोनों के साथ बस यही थी कि था। नेजिन कहता है कि तुम पहले अपने लैम्प को नीचे रख दो, हम बात करते हैं आराम से। जिस पे वो कहती है कि मैं
क्विंजिया के बदले के लिए तुम्हें भी मारने वाली थी, लेकिन अब जब मुझे पता चल गया है कि मिस क्विंजिया के साथ ये सब करने वाला तो ग्रैंड मार्शल है, तो मैं कैसे चुप रह सकती हूँ। तुम टेंशन मत लो, मैंने नई मेंशन से सभी सर्वेंट को बाहर निकाल दिया है, तो इस लैम्प के आग में बस मैं और ग्रैंड मार्शल ही मरेंगे। जिस पर वो कहता है कि देखो तुमसे भी ज़्यादा मैं मेरे फादर को हेट करता हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मेरे मदर को मारा है, तो ये लैम्प तुम मुझे दे दो और मैं इस यहाँ पर आग लगा के ग्रैंड मार्शल को मार दूंगा और अपनी लाइफ को भी यहीं पर ही ख़त्म कर दूंगा। लेकिन तुम्हारी लाइफ तो अभी बची हुई है, तुम्हें अभी जीना है, ये लैम्प तुम मुझे दे दो। जिस पर वो लैम्प नहीं दे रही होती है और इन दोनों में लैम्प को लेकर छिनातनी चलने लगती है और यहाँ पर बहसबाजी चलने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर इस मौके का फ़ायदा उठा के एक लड़की उस लैम्प को बंद कर देती है और उस लड़की को देख श्याओ दे शौक रह जाती है, क्योंकि ये लड़की असल में होती है क्विंजिया। लेकिन वो क्विंजिया यहाँ पर कहती है कि क्या तुम मुझे भूल चुकी हो श्याओ दे, मैं बिंग बिंग हूँ। और ये बात सुन श्याओ दे यहाँ पर और भी ज़्यादा शौक रह जाती है और इसी शॉकिंग रिएक्शन के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म होता है। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो बनाने की। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।